हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने साहिब के बारे में, जो कि रैग पिकर था, रैग पिकिंग का काम करता था और बाद में एक टी स्टॉल पर काम करने लगा था, जिसमें उसे 800 रुपये और पूरे दिन का खाना मिलता था। लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, कि वसंत का खोना, यानी कि इन दोनों स्टोरीज़ के थ्रू राइटर ने बच्चों का बचपन किस तरह से खो जाता है रोज़गार में लगने के बाद परिवार की गरीबी के कारण, वो इसके अंदर डिस्क्राइब करने की कोशिश की है राइटर ने। राइटर हैं इसकी अनीस जंग। सेकंड स्टोरी है आई वांट टू ड्राइव ए कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, मुकेश खुद का मालिक होने का आग्रह करता है, यानी कि इस बात पर जोर देता है, इंसिस्ट करता है कि वो खुद का मालिक बनना चाहता है। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा, वो अनाउंस करता है, इस बात की घोषणा करता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क, अब राइटर पूछती हैं कि क्या तुम कारों के बारे में कुछ भी जानते हो। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, मैं एक कार चलाना सीखूंगा, ही आंसर्स, वो उत्तर देता है। लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज, सीधा मेरी आंखों में देखते हुए। हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक माइरेज एमिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फील हिज ओन फील हिज टाउन फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। कहते उसका ये सपना उसके शहर फिरोजाबाद की गलियों की धूल के बीच एक मृग तृष्णा की भांति धुंधला सा दिखाई देता है। मिरेज होता है मृग तृष्णा, लूम्स मतलब धुंधला दिखाई देना, लूम्स का मीनिंग होता है धुंधला दिखाई देना। कहते हैं क्योंकि फिरोजाबाद में सभी बैंगल मेकिंग का काम करते हैं और वहीं कांच की धूल के कारण समय से पहले ही उनके आँखों की जो रोशनी है वो धुंधली हो जाती है, कई तो बिल्कुल ब्लाइंड अंधे हो जाते हैं, क्योंकि जिस एटमॉस्फेयर में फैक्ट्रीज़ के अंदर उन्हें काम करना पड़ता है उस एटमॉस्फेयर के कारण उनकी आँखें समय से पहले ही धुंधली हो जाती है, यानी कि कम देखना उन्हें शुरू हो जाता है। और इसी बात के कारण मुकेश का ये कहना कि मैं एक मैकेनिक बनना चाहता हूँ, एक कार चलाना सीख लूँगा, तो पोइट को सॉरी राइटर को ऐसा लगता है कि उसका ये सपना जो है वो धुंधला सपना है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स, कहता हर दूसरा परिवार जो है फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने के काम में लगा हुआ है। इट इज़ अ सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस वेल्डिंग ग्लास मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। वो कहते हैं भारत के शीशा पिघलाने के उद्योगों का केंद्र है फिरोजाबाद, जहां ऐसा दिखाई देता है कि परिवारों ने भट्टियों के इर्द गिर्द काम करते हुए शीशे के यानी कांच को जोड़ लगाते हुए देश की सभी औरतों के लिए चूड़ियां बनाते हुए अनेकों पीढ़ियां बिता दी। जनरेशन मतलब पीढ़ियां। सालों से यानी कि वो इस काम में लगे हुए हैं और कई पीढ़ियों से करते आ रहे हैं, तो कई पीढ़ियां इस काम में अपना जीवन बिता चुकी हैं। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, मुकेश का जो परिवार है वो भी इनमें से एक है जो कि चूड़ी बनाने का काम करता है।
None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures, in dingy cells without air and light, that the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. कहता उनमें से कोई ये नहीं जानता कि उसके जैसे बच्चों के लिए हाई टेम्परेचर ऊंचे तापमान में डिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट शीशे की भट्टियों में हवा और रोशनी के बिना दैट द लॉ If enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces, where the slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. कहता है हवा और रोशनी के बिना गंदी कोठरियों में काम करना गैरकानूनी है और यदि कानून लागू कर दिया जाए तो वो उसे और उन सभी 20,000 बच्चों को उन गर्म भट्टियों से बाहर निकलवा सकता है जहां वे दिन के समय बहुत ज़्यादा मेहनत करते रहते हैं और अक्सर अपनी आँखों की जो चमक है वो खो बैठते हैं. ब्राइटनेस मतलब ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, आँखों की चमक को वो खो बैठते हैं. मुकेश आइज, beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. कहता है मुकेश की आंखें चमक उठती हैं जब वो मुझे अपने घर ले जाने के लिए खुद से कहता है और जिसमें उसे बहुत ज़्यादा गर्व भी महसूस होता है और वो बताता है कि इज बींग रीबिल्ट, के इसे दोबारा बनाया जा रहा है. मुकेश अपने घर ले जाने के लिए पोइट को कहता है और पोइट को अपने घर ले जाता है और बताता है गर्व के साथ कि ये घर दोबारा बनाया जा रहा है. वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चॉक्ड विद गार्बेज पास्ट होम्स दैट रिमेन होवल्स with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state. कहते हैं हम बदबू मारती गलियों में से, stinking lanes मतलब बदबू मारती हुई गलियों में से चलकर जाते हैं और कूड़ा करकट से भरी पड़ी थी जो गलियां उनमें से गुजरते हुए जाते हैं और ऐसे घरों के पास से जो टूटकर गिर रही दीवारों के कारण केवल और केवल छप्पर ही रह गए थे, जहां दरवाजे जो थे वो ढीले पड़े हुए थे, खिड़कियां नहीं थी, जिन पर खिड़कियां थी ही नहीं. वॉबली डोर्स मतलब जर्जर हुए दरवाजे. Crowded with families of humans and animals coexisting a primeval state, जहाँ पर मानव परिवारों के झुंड भरे हुए थे, बड़ी बड़ी फैमिली जहाँ रहती थी और जहाँ आदिकाल की तरह जानवर उनके साथ ही रहते थे. जैसे पुराने समय में जानवर और इंसान इकट्ठे रहते थे, वैसे ही वहाँ पर लोग एक साथ रह रहे थे, गंदी बस्तियों में, गंदी गलियों में, टूटे फूटे घरों में जो सिर्फ एक छप्पर के अलावा और कुछ नहीं थे, ऐसे सिचुएशन में वो रहते थे. ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, बैंग्स ए वोबली आयरन डोर विद हिज फूट एंड पुशिज इट ओपन. कहता है वो इस तरह के एक मकान के दरवाजे पर रुक जाता है, अपने पैर से एक ढीले से लोहे के दरवाजे को खटखटाता है और धक्का देकर उसे
खोल देता है। वी एंटर ए हाफ बिल्ट शेक, हम एक आधी बनी झोपड़ी में प्रवेश करते हैं। शेक होता है झोपड़ी, हाफ बिल्ट आधी बनी हुई। प्रवेश करते हैं आधी बनी झोपड़ी में। इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विद डेड ग्रास इज ए फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनेक लीव्स। कहता है इसके एक भाग में जिस पर सूखी घास का छप्पर बना हुआ था वहाँ लकड़ी जलाने वाला एक चूल्हा है जिसके ऊपर एक बहुत से बड़े बर्तन में गरम पालक से भरा पड़ा था। सीजनिंग यानी कि जिसके ऊपर पालक पकाया जा रहा था। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और जमीन के ऊपर पड़ी एल्यूमिनियम की प्लेटों में और भी कटी हुई दूसरी सब्जियां रखी हुई थी। ए फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, एक कमजोर सी युवा लड़की पूरे परिवार के लिए शाम का भोजन पका रही थी। थ्रो आईज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, धुएं से भरी आंखों में से वो मुस्कुरा देती है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, ये जो थी जिस लेडी की बात की गई है वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, जो आयु में ज़्यादा बड़ी नहीं थी, एज उसकी ज़्यादा नहीं थी। शी हैज़ बिगेन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर। कहता है आयु में इतनी बड़ी नहीं थी फिर भी परिवार की एक बहू के रूप में, घर की बहू के रूप में सम्मान प्राप्त करने लगी है और 3 आदमियों को पहले ही संभालने लगी है, अपने पति को, मुकेश को और उनके पिता को। When the older man enters, जैसे ही बड़ी आयु का आदमी आता है, एंटर करता है, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. वो क्या करती है, अपना एक टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है और अपना घूंघट अपने चेहरे के ऊपर और नज़दीक ले आती है। वेल होता है घूंघट। As custom demands, daughter-in-law must veil their faces before their male elders. इतना जैसे कि रिवाज की मांग है कि जो बहुएं होती है वो बुजुर्ग जो बड़ी आयु के पुरुष होते हैं उनके सामने अपने चेहरे पर घूंघट करना उनके लिए ज़रूरी होता है, वैसा ही मुकेश की भाभी करती हैं, उसके बड़े भाई की वाइफ। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पॉवरिश्ड बैंगल मेकर, इम्पॉवरिश्ड बैंगल मेकर मतलब कहता है इस स्थिति में जो बुजुर्ग व्यक्ति है एक गरीब चूड़ी बनाने वाला है, पॉवर्टी से बना है इम्पॉवरिश्ड गरीब। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज ए टेलर देन ए बैंगल मेकर, ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस, सेंड हिज 2 sons टू स्कूल। कहते हैं लंबे वर्षों की कड़ी मेहनत के बावजूद पहले एक दर्जी के रूप में और फिर एक चूड़ी बनाने वाले के रूप में वो इस मकान को नया रूप देने में असफल रहा है और अपने दोनों बेटों को स्कूल भेजने में भी, ना वो घर को ढंग से बना पाया है ना ही बच्चों को स्कूल भेज पाया है अपने दोनों बेटों को इतनी कड़ी मेहनत करने के बावजूद। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच दैम वट ही नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। वो कहते हैं जो चीज़ वो उन्हें सिखा पाया है वो है केवल और केवल चूड़ी बनाने की कला, सिर्फ यही वो अपने बेटों को सिखा आया है। इट इज़ हिज कर्म, ये उसका कर्म है, हिज डेस्टिनी उसका भाग्य।
सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी कहती है, हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। कहते हैं जिसने शीशे की चूड़ियाँ पॉलिश करने से उड़ने वाली धूल से अपने पति को भी अंधे होते देखा है। कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, शी इम्प्लाइज। वो कहती है कि क्या भगवान के द्वारा दी गई इस वंश परंपरा को कभी तोड़ा जा सकता है। गॉड गिवन लाइनेज मतलब भगवान की दी हुई परंपरा को एवर बी ब्रोकन, तोड़ा जा सकता है। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद। कहते हैं उन्होंने चूड़ियों के अलावा और कुछ भी नहीं देखा है, घर के अंदर, आंगन में, पर हर दूसरे घर के अंदर धान के जैसे हर दूसरे आंगन में, हर दूसरे घर के आंगन में, फिरोजाबाद की हर गली के अंदर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ चूड़ियाँ ही देखी हैं। स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द सेवन कलर्स ऑफ द रेनबो लाई इन माउट्स इन अनकैम्प्ड यार्ड्स आर पाइल्ड ऑन फोर व्हील्ड हैंडकार्ट्स पुश्ड माय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शेंटी टाउन। कहता हर दूसरे घर के अंदर जो चूड़ियों के स्पाइरल छल्ले, चमकीले सुनहरे रंग के, हरे रंग के, हल्का नीला, गुलाबी, बैंगनी, इंद्रधनुष के सात रंगों से उत्पन्न होने वाले हर रंग के ढेर अस्त व्यस्त आंगन में पड़े होते हैं। चार पहियों वाले हाथ यानी कि ठेले के ऊपर ढेर लगे होते हैं, जिन्हें झोपड़ियों वाली बस्ती की तंग गलियों में युवा व्यक्ति धकेल कर ले जा रहे होते हैं। हैंडकार्ट्स मतलब जो ठेला होता है उसको बोलते हैं, जिसके चार पहिए लगे होते हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइंस ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स वेल्डिंग पीसीज ऑफ कलर्ड ग्लास इन टू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स। और कहते हैं कि अंधेरी झोपड़ियों में तेल में जलने वाले टिमटिमाते हुए दीपों की रोशनी वाली पंक्तियों के बगल में लड़के और लड़कियां अपने माता पिता के साथ बैठे होते हैं, रंगीन शीशों के टुकड़ों को चूड़ियों के छल्लों के रूप में जोड़ लगाते हुए। Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. वो कहते हैं उनकी जो आँखें हैं बाहरी प्रकाश की अपेक्षा अंधेरे की अधिक आदि हो चुकी होती हैं, यानी कि अंधेरे में इतनी आँखें उनकी एडजस्ट कर लेती हैं कि बाहर की रोशनी की ज़रूरत ही उन्हें महसूस नहीं होती। That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. और यही कारण है कि वे जवान होने से पहले ही अपनी आँखों की रोशनी खो बैठते हैं। Savita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass. अब एक नया करेक्टर आया है मुकेश के पास, सविता। कहते सविता जो कि एक ड्रैब पिंक फीकी पड़ी हुई गुलाबी रंग की ड्रेस पहने हुए हैं, एक वृद्ध स्त्री के पास बैठी हुई है और शीशे के टुकड़ों को जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, वो कहता है उसके जो हाथ हैं
एक मशीन की चिमटी की तरह, जैसे कोई मशीन हो उस तरह से चल रहे होते हैं। आई वंडर इफ शी नोज द सेंटिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक। तो और मैं ये सोचने लगती हूँ कि क्या उसे उन चूड़ियों की पवित्रता के बारे में पता है जिन्हें बनाने में वो मदद कर रही है। इट सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। तो ये जो चूड़ियाँ हैं वो एक भारतीय औरत के सुहाग की प्रतीक हैं और विवाह में ऑस्पिशियसनेस मतलब शुभ मंगल होने का संकेत देती हैं, शुभ होती हैं। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विद ए रेड वेल, हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट। कहता है और ये बात उस एक दिन अचानक समझ में आएगी, उसे एक दिन अचानक समझ में आएगी जब उसके सिर पर एक लाल घूंघट से ढक दिया जाएगा, उसके हाथों में उसके हाथ मेहंदी से रंग दिए जाएंगे और लाल चूड़ियाँ उसकी कलाइयों में चढ़ा दी जाएगी। शायद उसे तब इसकी पवित्रता की पहचान होगी, पवित्रता समझ में आएगी। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, तब वो एक दुल्हन बनेगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, उसी बूढ़ी औरत की तरह जो अनेक वर्ष पहले ऐसी ही बनी होगी दुल्हन। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट्स इन हर आइज। कहते हैं उसकी कलाइयों पर अभी भी चूड़ियाँ हैं लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं है बूढ़ी औरत की। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय। बूढ़ी औरत कहती है कि एक वक्त पेट भर खाना भी नहीं खाया, ऐसी आवाज में कहती है जिसमें से खुशी पूरी तरह से निकाल ली गई हो। ड्रेन मतलब निकाल देना, बहा देना। शी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, दैट्स वॉट शी हैज रिप्ड हर हजबेंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। तथा उसने अपने पूरे जीवन में एक बार भी भरपेट भोजन का आनंद नहीं लिया और यही फल है जो उसे प्राप्त हुआ है। उसका पति जो एक लंबी खुली दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी है वो कहता है कि मैं चूड़ियों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानता हूँ, यानी कि सिवाय चूड़ी बनाने के काम के वो और कोई दूसरा काम नहीं जानता है। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। वो कहता है यही केवल एक काम है जो मैंने किया है और यही है जो परिवार के रहने को एक मकान बना दिया है, इसी प्रोफेशन के कारण मैंने परिवार के रहने के लिए एक मकान भी बना दिया है। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैज़ अचीव्ड वट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम। कहता है उसकी बात सुनकर कोई भी व्यक्ति हैरान होता है कि क्या उसने कुछ ऐसा प्राप्त कर लिया है जिसे प्राप्त करने में अनेकों लोग अपने जीवन में असफल रहे हैं। ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड, उसके सिर पर के ऊपर एक छत है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स नॉट इवन इनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम। कहते चूड़ी बनाने का जो ये काम है चलाए रखने के अतिरिक्त कुछ और करने के लिए पैसे न होने का रोना, खाने को भी पर्याप्त न होने का रोना हर घर में सुनाई देता है, यानी कि हर घर में खाने के लिए और जो गरीबी है वो हर घर में साफ दिखाई देती है। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, जो युवा लोग हैं अपने बुजुर्गों वाले दुख को ही दोहराते हैं कि हमें तो ये हमारे पूर्वजों से मिला है काम,
गरीबी जो है वो हमें हमारे पूर्वजों से मिली है। लिटल हैज मूव्ड विद टाइम, विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद, कहता है ऐसा दिखाई देता है कि फिरोजाबाद में समय के साथ लगभग कुछ भी नहीं बदला है, कि साल बदले हैं, समय बदला है, लेकिन बाकी और कुछ भी फिरोजाबाद में बदलाव नहीं आया है। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, कहता है दिमाग को सुन कर देने वाली सालों की कठोर मेहनत ने सभी उद्योगों को और सपने लेने की योग्यता को समाप्त कर दिया है, कि किस कोई भी बड़े सपने नहीं ले सकता, कोई भी अपनी श्रम को मेहनत के बल पर कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। Why not organize yourself into a cooperative? अब जो पॉइंट है, राइटर है, वो पूछती है कि आप लोग खुद को एक सहकारी समिति के रूप में इकट्ठा क्यों नहीं कर लेते हैं, संगठित क्यों नहीं कर लेते हैं। I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. ये तो मैं युवा पुरुषों के एक ग्रुप से पूछती हूँ जो ऐसे दलालों के बुरे जाल में फंस गए हैं जिन्होंने उनके बाप दादाओं को अपने चुंगल में फंसा लिया था। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, वी आर द वंस हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस, beaten and dragged to jail for doing something illegal. कहता हालांकि हम संगठित भी हो जाएं, ये हम ही होंगे जिन्हें पुलिस घेर लेगी, पीटेगी और कोई गैर कानूनी काम करने के आरोप में घसीटकर जेल में ले जाएगी, क्योंकि गरीबों के ऊपर पुलिस का, जो पॉलिटिशियंस हैं उनका बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है। देर इज नो लीडर अमंग देम, उनके बीच में कोई नेता नहीं है, उनके बीच में नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली। वो कहता है ऐसा कोई नहीं है जो उन्हें चीज़ों को अलग ढंग से देखने में मदद कर सके। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, कहता है उनके बाप दादा जो है उतने ही थक गए हैं जितने कि वे थक गए हैं। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। वे अनंत रूप से एक सर्पिल चक्र में पड़े बातें करते रहते हैं जो गरीबी और उदासीनता, लालच और अन्याय के बीच घूमता रहता है। Listening to them, उन्हें सुनकर I see two distinct worlds. उन लोगों की बातों को सुनते हुए मुझे दो अलग अलग संसार दिखाई देते हैं। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न, कहते हैं पहली तो एक ऐसा संसार, ऐसे परिवार का जो कि गरीबी के जाल में फंसा हुआ है और जाति कलंक के नीचे दबा हुआ है जिसमें उनका जन्म हुआ है, कि बैंगल मेकिंग का काम करने
वालों के घर अगर उन्होंने जन्म लिया है तो वो सालों से पीढ़ियों से वही काम करते आ रहे हैं और जिसके कारण उनकी जो गरीबी है वो निरंतर बनी हुई है। द अदर ए विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स द मिडल मैन द पुलिस मैन द कीपर्स ऑफ लॉ द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस। और जो दूसरा है वो साहूकारों दलालों पुलिस वालों कानून लागू करने वालों नौकरशाहों और राजनेताओं का कुचक्र है। विशियस सर्कल मतलब कुचक्र वो है। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। वो कहता है उन सब ने मिलकर बच्चे पर ऐसा बोझ लाद दिया है जिसे वो उतार कर नीचे नहीं रख सकता। बैगेज होता है बोझ। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट इट इज नेचुरली एज हिज फादर। कहता है इससे पहले कि वो उसे इसका आभास हो पाए वो इसे उतने ही स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेता है जितना अपने पिता को। उसे ऐसे लगता है कि ये सिस्टम तो जो है उसके फादर ने भी सहन किया है तो हमें भी ये सहन करना ही पड़ेगा। इसके लिए वो अपनी आवाज़ नहीं उठाता है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। वो कहता है कुछ दूसरे करने का अगर अर्थ हो साहस दिखाना अगर कोई इसके खिलाफ अगर आवाज़ उठाना भी चाहे तो उसका मतलब होगा कि साहस दिखाना। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और साहस दिखाना उसकी परवरिश का हिस्सा नहीं होता क्योंकि फादर के फादर भी दादा परदादा ने ये जुर्म ये कुचक्र सहन किया है तो आगे आने वाली पीढ़ियों को भी यही सहन करना सिखाया जाता है। When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. कहता है जब मुझे इसकी एक झलक मुकेश में दिखाई देती है तो मुझे प्रसन्नता का अनुभव होता है मुझे खुशी होती है। जब वो ये कहता है कि I want to be a motor mechanic. फिर से मुकेश रिपीट करता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। He will go to a garage and learn. वो एक गैरेज जाएगा और वहाँ सीखेगा। But the garage is a long way from his house. लेकिन जो गैरेज है वो इसके घर से काफ़ी दूर है। I will walk. मैं चलकर जाऊँगा। He insist. वो जोर देकर कहता है ये बात। Do you also dream of flying a plane? अब वो राइटर पूछती है कि क्या तुम एक हवाई जहाज़ चलाने का भी सपना लेते हो? ही सडनली साइलेंट अचानक वो खामोश हो जाता है। नो ही सेज कहता है नहीं। स्टेरिंग एट द ग्राउंड जमीन की तरफ देखते हुए। इन ही स्मॉल मर्मर देर इज एन एम्बेरसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्नड इन टू रेगरेट। कहता है उसकी छोटी सी बड़बड़ाहट ने मर्मर होता है बड़बड़ाना मन में बोलना एक घबराहट भरी हुई है जिसने अभी रेग्रेट किसी शर्मिंदगी का किसी खेद का रूप नहीं लिया है। घबराहट जरूर है उसे लेकिन किसी बात की शर्मिंदगी नहीं। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन। कहते हैं उसने कारों के सपने लेने में ही संतुष्ट है वो। कंटेंट होता है संतुष्ट होना जिन्हें वो अपने शहर की गलियों में तेजी से आते हुए देखता है। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। ये तो फिरोजाबाद के ऊपर से बहुत कम हवाई जहाज जो हैं उड़कर निकलते हैं। तो ये आपका सेकंड पार्ट था। एक स्टोरी के अंदर बताया है कि किस तरह से साहिब जो कि पहले केयरफ्री नेचर का था और एक टी स्टॉल पर काम करने के कारण अपना बचपन खो देता है और दूसरी तरफ मुकेश जो कि बैंगल मेकर फैमिली से बिलोंग करता था चूड़ी बनाने वालों के परिवार से
लेकिन खुद का मालिक बनना चाहता है, अपनी मेहनत से खुद मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और नहीं चाहता कि वो किसी के अधीन रहकर काम करे, जिसको देखकर राइटर को खुशी भी होती है। आई होप कि दोनों पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू।